साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 13.8 के प्रश्न करेंगे और इस प्रश्नावली से पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। तो यहाँ पर देखो गोले की बात हो रही है, जैसे हमारी जो गेंद होती है ना क्रिकेट खेलने के लिए जो गेंद होती है उसी गेंद को हम गोला कहते हैं, है ना। और आयतन का मतलब होता है उसको अंदर से पूरा भरा जाना, है ना। तो गेंद जो होती है वो अंदर से पूरी भरी हुई होती है। तो अगर मैं गेंद का आयतन ज्ञात करना चाहूँ तो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है 4/3 πr³, यानी πr³, इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सूत्र में त्रिज्या चाहिए और त्रिज्या हमें दे रखी है ना। तो पहले हम जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन, सूत्र हो जाएगा 4/3 πr³। चलो ये हो गया 4/3, यहाँ कोई निशान है तो गुणा, फिर है पाई, पाई यानी 22/7, फिर गुणे का निशान, आर की जगह हम ब्रैकेट बनाएंगे और ऊपर √3 लिखेंगे। अब आर हमें कितना दिया, 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। अब पहले हम क्यूब करेंगे, क्यूब मतलब घन करेंगे, ठीक है। घन, घात कितनी है 3, यानी 7 का हम 3 बार गुणा करेंगे। तो ये हो गया 4/3 × 22/7 × 7³, यानी 7 × 7 × 7। तो यहाँ 1 7 से 1 7 कैंसिल हो गया। अब 3 का भाग ऊपर किसी में भी नहीं जा रहा है, तो हम ऊपर गुणा करके नीचे 3 का भाग दे देंगे। तो देखो 4 और 22 का गुणा कितना हो गया, 88। 7 और 7 कितना हो गया, 49। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 8 9 72, हासिल के 7 72 और 7 कितना हो जाएगा, 72 और 7 हो जाएगा 79। अब हम 4 का गुणा करेंगे तो हो गया 8 चौक 32, हासिल के 3 32 और 3 हो जाएगा 35। जोड़ेंगे तो ये 2 9 2 11, हासिल का 1 7 और 1 8 5 13, हासिल का 1, ये हो गया 4। यानी जो गुणा करने पर हमें मिलेगा 4312 और हमें भाग देना है 3 का। तो चलो भाग देते हैं इसमें 3 का। तो ये 3 × 3 पीछे बचा 1, उतारा 3, 3 चौक 12 पीछे बचा 1, ठीक है, उतारा 1। अब 3 3 9 पीछे बचे 2, उतारा 2, 3 7 21 पीछे बचा 1, ठीक है। अब हमारा जो उत्तर है वो मिश्र बिंद में आ रहा है, तो इसको मिश्र बिंद में लिखेंगे। तो देखो जो उत्तर आया वो क्या है, 1437, सही। 1 सेंस पर हमारा 1 आया और हमने किसका भाग दिया, 3 का। तो उत्तर हमें मिश्र बिंद में बनाना है 1437, सही 1/3, ठीक है। और ये क्या है, आयतन, और आयतन हमेशा किस में आता है, घन सेंटीमीटर में आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न में जो हमारी त्रिज्या है वो है 0.63 मीटर और हमें क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे गोले का आयतन बराबर, सूत्र होगा 4/3 πr³। तो ये हो गया 4/3, यहाँ कोई निशान नहीं है तो गुणा, पाई का हो जाएगा 22/7 गुणा r³। तो यहाँ हम कोष्टक बनाएंगे और घात कितनी लगाएंगे, 3। और कोष्टक में हमें क्या लिखना है, कोष्टक में हमें लिखना है 0.063, ठीक है। अब पहले हम घन करेंगे फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 4/3 × 22/7 × 0.63³, यानी इसका 3 बार गुणा करेंगे, 0.63 × 0.63 × 0.63। अब हम पॉइंट हटाएंगे तो देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो वाली संख्या क्या होती है, 100, ठीक है। तो जब हम इसमें से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बट्टे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो सबके नीचे हम 100 लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ 63, दोनों में 7 का पाड़ा है, तो ये कटेगा 7 × 7 1 बार और ये कटेगा 7 9 63 यानी 9 बार। इन दोनों में देखो 3 का पाड़ा है, तो ये कटेगा 3 × 3 और ये कटेगा 3 3 9, है ना। तो अब ऊपर जो बचा है उनका हम गुणा करेंगे, तो ऊपर है 4 × 22 × 3 × 63 × 63 और नीचे हमारे पास है 100 × 100 × 100, ठीक है। तो जब हम ऊपर इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा लगभग 10 47 816।
और बट्टे में हमारे पास 100 100 का गुणा कैसे करना, देखो एक का एक से गुणा किया एक, एक का एक से गुणा किया एक, अब कितने जीरो है वो नीचे आ जाएंगे, तो टोटल 6 0 है, तो 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें भाग कैसे देना है, तो देखो नीचे 6 0 है तो ऊपर से हम 6 अंक छोड़ के क्या लगाएंगे, पॉइंट। देखो ऊपर 6 अंक छोड़ो, 1 2 3 4 5 और 6, यानी यहाँ पॉइंट आएगा, तो उत्तर होगा 1.04781 और 6। ठीक है, अब हमें पॉइंट के बाद 2 अंकों तक उत्तर चाहिए, तो हम देखो तीसरा अंक पकड़ेंगे पॉइंट के बाद। अगर पॉइंट के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा है, तो ये जो अंक 4 है वो 1 ज़्यादा हो जाएगा, 1 ज़्यादा मतलब ये 5 हो जाएगा, यानी लगभग हमारा उत्तर आएगा 1.05। और क्योंकि ये आयतन है और मीटर में है, तो उत्तर आएगा घन मीटर में, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए यानी विस्थापित किए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है, यानी अब की बार हमें व्यास दी हुई है और हमें प्रश्न में क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो चलो हम सीधी त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो पहले देखो हमें त्रिज्या क्या दी, व्यास/2, है ना, हमें व्यास दी हुई है, हमें त्रिज्या निकालनी है, तो व्यास/2 करेंगे तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी। तो देखो पहले में व्यास है 28, और 28 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर, तो ये निकल के आ गई हमारी त्रिज्या। और हमें क्या ज्ञात करना है, गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन, यानी सीधा सीधा गेंद का आयतन, है ना, गेंद द्वारा विस्थापित विस्थापित पानी का आयतन आयतन, और सूत्र क्या होगा इसका, 4/3 πr³। ये हो गया 4/3 × π का मान हो जाएगा 22/7 × r³। और त्रिज्या हमने कितनी निकाली, 14, तो यहाँ 14 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 × 22/7 × 14 का 3 बार गुणा होगा, 14 × 14 × 14, 7 के पहाड़े से ये 2 बार कटेगा। अब ऊपर 3 का किसी में भाग नहीं जा रहा है, तो ऊपर गुणा करके हम सीधा 3 का भाग देंगे, तो देखो ऊपर क्या क्या है, 4 × 22 × 2 × 14 × 14, और नीचे हमारे पास क्या है, 3 है। तो देखो ऊपर जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 34,496, जिसमें हमें भाग देना है 3 का, तो चलो भाग देते हैं 34,496 में 3 का भाग, ये हो गया 3 × 3 घटाएंगे 0 उतारेंगे 4, फिर 3 × 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, अगली संख्या उतारेंगे 4, फिर 3 × 4 = 12 होता है ना, घटाएंगे तो 2 आएगा, अगली संख्या हो जाएगी 9, फिर 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, तो 9 बार भाग जाएगा और 27 आएगा, बचेगा 2, अगली संख्या हो जाएगी 6, फिर 3 × 8 = 24, है ना, तो 8 बार भाग जाएगा और बचेगा आपके 2, और हमारा उत्तर जो है वो मिश्र बिंद में आ रहा है। तो हमें इसको उत्तर कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आया, उत्तर आया 11,498 सही। ठीक है, शेषफल 2 है तो 2 ऊपर आएगा, भागफल 3 है तो 3 नीचे आएगा, तो हमारा उत्तर होगा 11,498 सही, 2/3, और आयतन किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो दूसरे में हमें व्यास दिया 0.21 मीटर, और हमें क्या चाहिए, त्रिज्या, तो त्रिज्या होता है व्यास/2, है ना, व्यास हो जाएगा 0.21 और बट्टा करेंगे 2 का। अब देखो दोनों में भाग नहीं जा रहा है, तो इसको हम उत्तर मान लेते हैं, लेकिन देखो यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट हम हटा सकते हैं, और पॉइंट हटाने के बाद यहाँ 2 अंक है तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 2 0, तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 0 आएगी, तो संख्या बनेगी 21/200 मीटर, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन, ठीक है, तो यहाँ सीधा ज्ञात करते हैं गोले का आयतन, सूत्र होगा 4/3 πr³, 4/3 × π का मान हो जाएगा 22/7 × यहाँ r की जगह ब्रैकेट और घात 3 करना है, और ब्रैकेट में कितना आएगा, 21/200, 21/200, तो हम क्या करेंगे, 4/3 × 22/7 × इसका 3 बार गुणा करेंगे, यानी 21/200 × 21/200 × 21/200। ठीक है, अब यहाँ पर
देखो सात के पहाड़े से ये 21 कटेगा, 7 × 21 तीन बार, तीन से ये तीन कट जाएगा है ना। और अगर इसको दोनों को दो के पहाड़े से काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा और ये 100 बार कटेगा। इसी प्रकार देखो यहाँ पर मैं दो के पहाड़े से काटूंगा तो ये 2 बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा। इसको फिर इस दो से काटूंगा तो ये 100 बार कटेगा। यानी ऊपर हमारे पास क्या क्या बच गया, 11 × 21 × 21 बट्टे नीचे बच गया 100 × 100 × 100। ठीक है, अब ऊपर गुणा कराएंगे तो 21 × 21 होता है 441। इसमें हमें 11 का गुणा करना था, ये हो गया 144 × 144। जोड़ेंगे तो 1, 5, 8 और 4। ठीक है, और यहाँ उत्तर आया 4851, 4851 बट्टा। नीचे देखो एक एक का गुणा हो गया एक, और पीछे कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। अब ऊपर हमें 6 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, लेकिन ऊपर तो 4 अंक है तो इसको 6 अंक बनाएंगे। कैसे, आगे हम 2 जीरो लगा सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब हमें 6 अंक मिल गए तो हम ऊपर से 6 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ऊपर हो गया 0048 51, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। और आगे हम क्या लगा सकते हैं, 1 जीरो लगा सकते हैं। और हमारा उत्तर मीटर में, तो यहाँ आ जाएगा मीटर की घात 3 यानी घन मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है, यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें व्यास दिया हुआ है, ठीक है, और प्रश्न में हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। चलो पहले त्रिज्या निकाल देते हैं, हम जानते त्रिज्या होती है व्यास बटे 2 है ना, और व्यास हमें दिया है 4.2, इसमें हमें 2 का भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है तो नीचे 1 जीरो आ जाएगा, संख्या बनेगी 42/20। इन दोनों में 2 का भाग देंगे तो ये कटेगा 21 बार और ये कटेगा 10 बार, तो हमारा उत्तर आएगा 21/10 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। और हमें दिया हुआ है धातु का घनत्व। देखो घनत्व जो होता है उसको हम डी से लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। यानी ये घनत्व का, घनत्व निकालने का सूत्र क्या है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक है, और घनत्व हमें दिया हुआ है, यानी डी की जगह यहाँ पर आ गया 8.9। ठीक है, बराबर एम बट्टा वी। अब एम हमें ज्ञात करना है यानी द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है, और यहाँ पर क्या है, वी, वी मतलब आयतन है ना, यानी आयतन यहाँ पर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब आयतन ज्ञात हो जाएगा तो हम द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखो आयतन यहाँ भाग में है, बट्टे में नीचे है। ठीक है, तो आयतन को हम बराबर के इस साइड में भेजेंगे तो ये भाग में है तो उधर जाके किस में आ जाएगा, गुणे में, यानी ये हो जाएगा 8.9 × V = m। तो जब हम आयतन निकाल के 8.9 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। यानी सीधा सीधा हमें पहले क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। जैसे ही आयतन ज्ञात हो जाएगा हम उसको 8.9 से गुणा कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा। तो यहाँ हम निकालेंगे गेंद का पहले आयतन। ठीक है, यहाँ निकालेंगे धातु की गेंद का आयतन। सूत्र हो जाएगा 4/3 πr³। ये हो गया 4/3 × π का मान हो जाएगा 22/7 × r³। r हमारा है 21/10 तो ये हो गया 21/10। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 4/3 × 22/7 × 21/10³ यानी 21/10 × 21/10 × 21/10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों 7 के पहाड़े से कटेंगे, 7 × 7 = 7, 7 × 3 = 21, ये 3 से 3 बार कट जाएगा। अब जो संख्या बची है उनका हम ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर क्या क्या है, 4 × 22 × 21 × 21 बट्टा, नीचे हमारे पास है 10 × 10 × 10। अब हम ऊपर इन सब का गुणा करेंगे तो इन सब का गुणा करने पर हमारा उत्तर आएगा 38,808, और नीचे 10 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। यानी अब हमें 1000 का इसमें भाग देना है। भाग कैसे देंगे, नीचे 3 जीरो है तो ऊपर से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 38.808। और ये हमने क्या निकाला, आयतन, और ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो आयतन हो जाएगा घन सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर की घात 3।
ये तो हमारा क्या हो गया, आयतन हो गया, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कैसे निकलेगा, द्रव्यमान होता है घनत्व इंटू आयतन, है ना। तो सीधा यहाँ सूत्र लिखेंगे, सूत्र क्या बनेगा, हम जानते हैं कि जो द्रव्यमान निकालने का सूत्र है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान होता है घनत्व घनत्व इंटू आयतन। अच्छा, घनत्व हमारे पास कितना है, तो देखो घनत्व हमें दिया है 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कुल मिला के हमें घनत्व लिखना है 8.9 इंटू आयतन हमने कितना निकाला, 38.808। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर उत्तर आएगा 345.3912। ठीक है, हमें पॉइंट के बाद दो अंकों तक चाहिए, तो देखो ये जो तीसरा अंक है वो एक है, यानी ये पाँच या पाँच से छोटा है, यानी पाँच से छोटा है। तो जब पाँच से छोटा होता है तो इस अंक में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, इसको नौ का नौ ही रखेंगे। तो उत्तर हमारा क्या हो गया, तो अंतिम उत्तर हो गया 345.39। और हम क्या निकालने हैं, द्रव्यमान। द्रव्यमान हमेशा किस में आता है, ग्राम में आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न चार है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई, यानी एक तरफ हमें चंद्रमा दिया हुआ है तो दूसरी तरफ हमें पृथ्वी दी हुई है। अब यह प्रश्न कह रहा है कि अगर चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई है, एक चौथाई मतलब 1/4 है, यानी कि मान लो अगर मैं पृथ्वी का व्यास एक्स मानता हूँ, ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास जो है वो हो जाएगा 1/4 गुणा एक्स, यानी x का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x/4। ठीक है, अब प्रश्न आगे कह रहा है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के जो आयतन है उनका अनुपात हमें ज्ञात करना है, भिन्न मतलब अनुपात हमें ज्ञात करना और उनकी तुलना भी करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, माना पृथ्वी का जो व्यास है वो हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और हमें प्रश्न के अंदर त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, और आयतन का सूत्र होता है 4/3πr³, यानी हमें इसमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो यहाँ मान लेते हैं पृथ्वी की जो त्रिज्या है, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या को मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ। तो कैपिटल आर जो है वो क्या हो जाएगी भाई, हम जानते हैं त्रिज्या होता है व्यास 2, है ना, और पृथ्वी का व्यास हमने क्या माना, x, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी x/2। इसी प्रकार हमें चंद्रमा माना, चंद्रमा का व्यास और ये जो चंद्रमा का व्यास है वो कितना है, x/4 है, क्योंकि ये पृथ्वी का एक चौथाई है ना, तो ये हो गया x/4। और इसमें भी हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे चंद्रमा की त्रिज्या, और इस त्रिज्या को हम स्मॉल आर ले लेते हैं, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर हो गई और चंद्रमा की त्रिज्या स्मॉल आर हो गई। और इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें 2 का भाग देना है। अब इसको समझो, x/4 में जब हम 2 का भाग देंगे तो 2 का मतलब हो गया 2/1, इस भाग को हम गुणा बनाएंगे तो ये हो गया x/4 गुणा 1/2, यानी जब इसको गुणा करेंगे तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगा। अब देखो x का 1 से गुणा हो गया x, 4 का 2 से गुणा हो गया, 4 × 2 = 8, समझ गए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, x/4 में हमें किसका भाग देना है, 2 का, ठीक है, यानी मैं नीचे 2 कर रहा हूँ, तो ये 2 जो है ऊपर 4 से गुणा होगा, क्यों होगा मैंने यहाँ बताया है, तो ये हो गया x/8, यानी कि चंद्रमा की त्रिज्या निकल के आएगी x/8, है ना। अब हमें प्रश्न में इन दोनों के आयतनों की तुलना करनी है, तुलना मतलब इनका हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें किसका बताना है, हमें चंद्रमा का आयतन बताना है, तो चंद्रमा ऊपर रहेगा और पृथ्वी नीचे रहेगी। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार कि चंद्रमा का जो आयतन है, चंद्रमा का आयतन जो है उसमें हम भाग देंगे पृथ्वी के आयतन का, ठीक है। और आयतन का सूत्र हम जानते हैं, चंद्रमा का आयतन का सूत्र क्या होगा, 4/3 πr³ क्योंकि
चंद्रमा की जो त्रिज्या वो स्मॉल आर है, और पृथ्वी का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कैपिटल आर की घात 3, क्योंकि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। अब देखो 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, स्मॉल आर की घात 3 / कैपिटल आर की घात 3। ठीक है, चलो अब आगे करते हैं इस प्रश्न को। अब देखो स्मॉल आर हमारा क्या है, स्मॉल आर हमारा है x 8, तो इस आर की जगह मैं बना रहा हूं ब्रैकेट, है ना, आर की जगह हो गया ब्रैकेट और घात कितनी आ गई 3। अब स्मॉल आर हमारे पास कितना है, स्मॉल आर है एक्स बट्टे आठ, तो यहाँ आ जाएगा एक्स बट्टे आठ। ठीक है, और इस बट्टे की जगह, इस बट्टे की जगह मैं यहाँ भाग का निशान बना रहा हूँ, यानी इसको मैं भाग में बदल रहा हूँ। ठीक है, बट्टे में है, भाग में बदल रहा हूँ, तो इस बट्टे की निशान की जगह यहाँ भाग का निशान आ गया, और नीचे जो ये कैपिटल आर है ना, वो इस भाग के पीछे आ जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये हो गया कैपिटल आर की घात 3, और कैपिटल आर जो है हमारा कितना है, एक्स बटे 2 है। ठीक है, चलो अब इसको आगे करते हैं। एक्स बटे 8 की घात 3 का मतलब हो गया इसका 3 बार गुणा, है ना, तो एक्स का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की घात 3/8 की घात 3, यानी 8 × 8 × 8 करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 512, यानी 8 का घन हमें याद है 512, इसमें हमें भाग देना है एक्स की घात 3/2 की घात 3, मतलब 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब यहाँ भी भाग का निशान है तो इसको हम गुणे में बदलेंगे, है ना, तो ये हो गया एक्स की घात 3/512 गुणा 8 ऊपर आ जाएगा और एक्स की घात 3 नीचे आ जाएगा, तो एक्स की घात 3 से एक्स की घात 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में 8 का पहाड़ा है ना, तो ये हो गया देखो 8 से 1 बार कटेगा और ये कटेगा 64 बार, यानी हमारे पास यहाँ कितना बता उत्तर, हमारे पास उत्तर आया 1/64, है ना, 1/64, और इस तरफ हमारे पास क्या चल रहा है, तो इस तरफ हमारे पास चल रहा है, ऊपर तो है चंद्रमा का आयतन, चंद्रमा का आयतन, ठीक है, और नीचे की ओर है पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। ठीक है, और हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, चंद्रमा का आयतन जो है वो पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, है ना, तो हम क्या करेंगे, ये पृथ्वी का जो आयतन है वो यहाँ पर भाग में है, तो इसको हम उधर भेजेंगे, तो उधर भेजेंगे वो किस में आ जाएगा, गुणे में, ये 64 है ना, 64 है, चलो ये उधर भेजेंगे तो वो किस में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ हो गया चंद्रमा का आयतन बराबर, चंद्रमा का आयतन बराबर इधर क्या है, 1/64 है, और ये भाग में, तो उधर किस में आ जाएगा, गुणे में, इनटू पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन, यानी कि चंद्रमा का जो आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का 64वां भाग है, समझ गए, है ना, जैसे इसका, इसके व्यास जो था वो क्या था, 1/4 था, तो ये इसका 64वां भाग है ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्ध गोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है, यानी अब की बार जो है हमें आधा गोला दे रखा है ना, और आधा गोला कुछ इस प्रकार का होता है, अब हमें इसमें क्या भरना है, दूध भरना है। ठीक है, अब इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है, यानी इसको पूरा दूध से हमें भरना है, इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है ना। अब इसकी जो व्यास है वो हमें दे रखी है, और हमें क्या चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए, तो हम पहले त्रिज्या लिख देते हैं, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास 2, तो व्यास हमें यहाँ दिया हुआ है 10.5/2, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, तो ये बनेगा 105/20। अब इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है ना, तो इसमें 5 का भाग जा रहा है, 5 × 5 = 5, 2 × 10 और 5 × 5, और ये हो जाएगा 5 × 20, यानी 21/4 जो है सेंटीमीटर, इसकी क्या आएगी, त्रिज्या आएगी, तो त्रिज्या हमें मिल गई। अब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है, लेकिन देखो जो पूरा गोला होता है उसका आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, लेकिन ये क्या है, आधा गोला है, अर्ध गोला है,
तो इसका जो आयतन होगा उसमें हम दो का भाग देंगे। तो देखो इसमें जब मैं दो का भाग दूंगा तो दो मतलब 2/1, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ये भाग जो है इसको गुणा बनाएंगे, ये उल्टा होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो इसका आयतन निकल के आएगा 2/3 पाई आर की घात 3। समझ गए? तो ये होगा अर्ध गोले का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे अर्ध गोले का आयतन, इसका जो सूत्र है वो है 2/3 पाई आर की घात 3। ये हो गया 2/3 इंटू पाई, हमें लेना है 22/7 इंटू आर की घात 3। तो देखो आर हमारे पास है 21/4, तो यहाँ आएगा 21/4। ये हो गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू, इसका 3 बार गुणा यानी 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4, ये 7 से कटेगा 3 बार, है ना, 7 × 3 = 21, फिर ये 3 से 3 पूरा कट जाएगा। अब यहाँ देखो ये 2 से कटेगा, 2 × 2 = 4, है ना, फिर ये 2 इससे कटेगा 11 बार। समझ गए? तो अब देखो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 11 × 21 × 21, और नीचे हमारे पास देखो 4 × 4 यानी 4 × 4 = 16 बचा। ठीक है, अब हम ऊपर गुणा करेंगे तो 21 × 21 होता है 441, इसमें 11 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 144 × 144, जोड़ेंगे इसको ये हो गया 1584, और इसमें हमें किसका भाग देना है, 16 का। तो देखो भाग देंगे इसमें तो 16 × 3 = 48 होता है, 48 में से 48 गया 0, अगली संख्या उतारेंगे 5। लेकिन देखो ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है, तो हमें फिर से अगली संख्या उतारनी पड़ेगी, और जब हम दो संख्या एक साथ नीचे उतारते हैं तो पहले हासिल टूटी 0 लगता है, यानी पहले 0 लगता है फिर अगली संख्या हम नीचे उतारते हैं, है ना। अब भाग देंगे तो 16 × 3 = वापस 48 हो जाएगा, यानी 3 बार भाग जाएगा। अब देखो घटाएंगे हम तो ये बचेगा 3, है ना। अब भाग नहीं जा रहा है तो हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आएगा 0, फिर भाग देंगे तो देखो 16 × 16 = 16 × 2 = 32, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा तो 1 बार भाग देंगे 16 × 16। ठीक है, अब घटाएंगे तो देखो 10 में से 6 गए 4, 2 में से 1 गया 1, अब पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0, है ना। अब 16 × 8 = 128 होता है, यानी कि 8 बार भाग जाएगा, ये हो गया 128, 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 2 गया तो बचा 1, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो क्या आएगा, 0, और 16 × 7 = 112 होता है, ये 112। हमें पॉइंट के बाद 3 बार उत्तर निकालना है ना, तो हमारा जो उत्तर आया वो आया 303.1। अब देखो यहाँ पर क्या है, 8 है और तीसरा अंक हमारा 7 है, यानी तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा है ना, तो इस 8 को हम 1 ज़्यादा बना देंगे यानी 9 बना देंगे, तो ये हो गया 303.19, और हमने इसका आयतन ज्ञात करा तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो अभी इसका उत्तर जो है घन सेंटीमीटर में आया है, और हमें इसका उत्तर किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। तो हम जानते हैं इसको लीटर में बदलने के लिए हम किसका भाग देंगे, 1000 का। तो देखो 303.19 में हमें भाग देना है 1000 का, तो हमें यहाँ पॉइंट लगा हुआ है ना, और 3 जीरो नीचे है, तो ये पॉइंट जो है वो 3 कदम इधर आ जाएगा इस साइड में, तो यहाँ पर ये पॉइंट 1, 2, 3 यानी यहाँ से उछल कर यहाँ आ जाएगा, यानी अब हमारा उत्तर होगा 0.303.19। ठीक है, और यहाँ पर आगे क्या लगा सकते हैं, 0। अब पॉइंट के बाद यहाँ उत्तर हमारे पास 3 अंकों तक ही आ रहा है, तो हम इसका उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 0.303 और ये किस में बदल गया, लीटर में बदल गया, दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, प्रश्न 6 है, एक अर्ध गोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी हुई, यानी अब की बार हमें एक अर्ध गोलाकार लोहे की टंकी दी हुई है कुछ इस प्रकार की। ठीक है, और ये जो टंकी है वो 1 सेंटीमीटर मोटी है, यानी ये अंदर से इस प्रकार से मोटी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, यानी जो ये अंदर का वृत्त है इसकी त्रिज्या जो है हमें दी हुई है 1 मीटर, तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी अब हमें ये टंकी बनानी है, टंकी क्या करनी है, बनानी है। तो देखो टंकी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बाहर का अर्धगोला है, बाहर का जो अर्धगोला है ऊपर की तरफ क्या है, व्रत है। देखो ये जैसे मान लो ये बाहर का व्रत हो गया, ठीक है,
अंदर भी किया है एक वृत्त है, और ये जो बीच की मोटाई है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब उत्तर हमें मीटर में चाहिए, तो इसको हम 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए हम 100 का भाग देंगे, 1 सेंटीमीटर में 100 का भाग देंगे। तो ये भाग कैसे देना है, नीचे 2 जीरो है तो ऊपर से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया 0.01, या 0 आगे लगा सकते हो, तो ये हो गया 0.01 मीटर। यानी अब इसको मीटर में बदलना है तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, तो अब हमें देखो अंदर की त्रिज्या तो दी हुई है, कितनी है 1 मीटर, लेकिन बाहर की त्रिज्या हमें नहीं दी हुई है। तो बाहर की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 मीटर में 0.01 मीटर जोड़ेंगे तो बाहर की त्रिज्या भी आ जाएगी। तो देखो बाहर की त्रिज्या क्या आएगी, 1 + 0.01, जोड़ो दोनों को तो हो गया 1.01 मीटर। तो अब अंदर की त्रिज्या भी है, बाहर की त्रिज्या भी है, ठीक है। जब दोनों त्रिज्या हमारे पास है तो इसमें हम क्या करेंगे, इस टंकी को बनाने के लिए जो बड़ा वृत्त है, यानी कि यहाँ पर ये जो बाहर की त्रिज्या है उससे संबंधित जो भी आयतन होगा, है ना, वो निकालेंगे, और जो ये अंदर छोटा वृत्त है ना, इसकी जो त्रिज्या है इससे संबंधित जो भी आयतन होगा वो भी निकालेंगे। फिर बड़े आयतन में से छोटे आयतन को जब हम घटाएंगे तब इस टंकी को बनाने के लिए जितना लोहा हमें चाहिए वो हमें मिलेगा, यानी इसका अभीष्ट आयतन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें 2 त्रिज्या दी है, तो एक तो हम मान लेते हैं, माना आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक जो त्रिज्या है उसे हम छोटा आर मान लेते हैं, स्मॉल आर, वो कितनी दी हुई है 1 मीटर दी हुई है, और हमें बाहरी त्रिज्या इसको हम मान लेते हैं कैपिटल आर, और वो कितनी होगी कि भाई 1 सेंटीमीटर मोटी है। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर प्लस इसमें हमें क्या जोड़ना है, 1 मीटर जोड़ना है ना। तो इसको देखो मैं आगे कर लेता हूँ, इस 1 सेंटीमीटर को हमने मीटर में बदला तो कितना आया था 0.01, तो 0.01 में हमें 1 मीटर जोड़ना है। तो जब इसको जोड़ेंगे, इसको भी हटा देता हूँ, है ना, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.01 मीटर। तो दोनों त्रिज्या हमारे पास आ गई। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है टंकी में लगे लोहे का आयतन, ठीक है। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये जो हमने टंकी ली थी वो अंदर से खोखली है ना, अंदर से खोखली, और ये 1 सेंटीमीटर मोटी। तो हमें क्या करना है, जो बड़ा कटोरा बनेगा, बड़ा अर्धगोला बनेगा, ठीक है, पहले हम उसका आयतन ज्ञात करेंगे, फिर जो छोटा अर्धगोला बनेगा उसका आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है। जब बड़े में से छोटे अर्धगोले के आयतन को घटाएंगे, है ना, तब जाके वो 1 सेंटीमीटर का जो लोहा है, मोटाई वाला जो लोहा है वो हमें मिलेगा, है ना। यानी हमें क्या करना है, हमें बाह्य टंकी का आयतन इसमें से आंतरिक टंकी के आयतन को घटाना है, टंकी का आयतन, है ना। चलो अब बाहरी टंकी का आयतन क्या बनेगा, तो इसका सूत्र बनेगा 2/3 पाई कैपिटल आर की घात 3, क्योंकि बाहर की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, और ये अर्धगोला है इसलिए इसका सूत्र है 2/3 पाई r³ माइनस आंतरिक टंकी का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई r³, ये स्मॉल r होगा, है ना। अब देखो 2/3 पाई इसमें भी है और 2/3 पाई इसमें भी है, तो 2/3 पाई को हम कॉमन लेते हैं, 2/3 पाई को हम बाहर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचा r³ माइनस r³। ठीक है, अब ये हो गया 2/3 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू r³। तो यहाँ पर जो हमारा r है, कैपिटल r, वो क्या है, 1.01, इसकी घात हमें कितनी लेनी है, 3 लेनी है, माइनस स्मॉल r हमारा क्या है, 1, इसकी भी घात हमें 3 लेनी है। तो ये हो गया 2/3 × 22/7 1.01 की घात 3, यानी 1.01 का हम 3 बार गुणा करेंगे, ठीक है,
और जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1.030301 माइनस, फिर ये 1 की घात 3 है, तो 1 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा, है ना। अब हमें इसमें से इसको घटाएंगे, तो देखो ये 1 में से 1 चला जाएगा तो पीछे यही संख्या बचेगी, तो ये हो गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.030301, ठीक है, ये संख्या हमारे पास बचेगी। अब देखो यहाँ पर किसी संख्या में अगर भाग जाता है तो हमें भाग देना है ना, तो भाग यहाँ पर नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर गुणा और नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर गुणा हो गया 22 × 2 = 44 और ये हो गया 7 × 3 = 21 इंटू 0.030301। अब हम 44 का इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर हमारा जो आंसर है, अब गुणा करना है ना, गुणा करने पर आंसर आएगा 44 का इससे गुणा करने पर उत्तर आएगा 1.333244/21। अब इसमें हमें क्या करना है, 21 का भाग देना है, तो जब 21 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर जो है वो लगभग आएगा 0.6348 और हमारा उत्तर जो है वो मीटर में है ना, तो आयतन आएगा घन मीटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न के अंदर हमें केवल एक चीज दी हुई है और वो है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और कितना दिया हुआ है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात क्या करना है, आयतन। तो आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास त्रिज्या होना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है 4πr² बराबर, हमें कितना दिया है, 154। अब हम क्या करेंगे, r को यहीं रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे, तो पहले हम पाई का मान रखते हैं, तो देखो ये हो गया 4 × 22/7, पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154, है ना। अब बाकी सबको हम उधर भेजेंगे, है ना, तो देखो ये 7 जो है वो बट्टे में है यानी भाग में, तो 7 उधर गुणे में चला जाएगा, यानी ये जो 154 है वो अपनी जगह पर है, ये भाग में है तो ये गुणे में ऊपर आ जाएगा, और ये गुणे में है तो ये बट्टे में नीचे आ जाएंगे, यानी 4 × 22 नीचे आ जाएगा और आर स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, ठीक है। अब देखो 22 के पहाड़े में 154 आते हैं, तो 22 का पहाड़ा जब मैं 7 बार बोलता हूँ तो 154 आता है ना, तो 22 × 7 = 154 हो गया और ये 22 × 1 = 22 हो गया, तो मेरे पास ऊपर क्या आया, 7 × 7 यानी कि 49 बट्टा नीचे कितना है 4। अब ये वर्ग है, वर्ग उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल, तो ये हो गया आर बराबर वर्गमूल 49/4। अब देखो 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7, है ना, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2, तो त्रिज्या हमारे पास क्या है, देखो 49 का वर्गमूल हो गया 7 और 4 का वर्गमूल हो गया 2, और ये किस में है, सेंटीमीटर में, तो त्रिज्या हो गई 7/2 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आ गई हमारे पास और हमें क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है, तो देखो गोले का आयतन, और आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा, 4/3πr³, तो चलो 4/3 इंटू पाई हमारा क्या हो गया, 22/7 इंटू त्रिज्या हमारी, त्रिज्या हमारी क्या है, 7/2, तो त्रिज्या आ जाएगी 7/2। अब घात 3 है इसका मतलब इसका 3 बार गुणा करना है, तो ये हो गया 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2, ठीक है, 3 बार गुणा करेंगे, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखो ये 2 इससे कितनी बार कटेगा, 11 बार, ये 2 इससे 2 बार कटेगा और ये 2 पूरा इससे 2 बार कट जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा, 11 × 7 × 7, तो इनका गुणा करेंगे 11 × 7 × 7 बट्टा नीचे कितना बचा, 3, और इसमें हमें 3 का भाग देना है, तो जब ऊपर इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा उत्तर आएगा 539/3। अब हमें क्या करना है, 3 का भाग देना है, चलो भाग देते हैं,
539 में 3 का भाग, तो ये हो गया 3 एकम 3, बचा 2, उतारेंगे 3, और 3 6 18, 3 7 21, बचेगा 2, उतारेंगे 9, 3 9 27, बचेगा 2, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 179 सही 2/3, और ये क्या होगा आयतन है तो आ जाएगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, किसी भवन का गुंबद एक अर्ध गोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए, यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें ज्ञात करना है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और दूसरा है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। तो देखो ये जो पहला है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए हमें देखो यहाँ पर दे रखा है कि यदि हमें सफेदी करनी है तो इसके लिए हमें 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्च करने पड़ेंगे। यानी यदि कोई मजदूर, मान लीजिए ये हमारे पास अर्ध गोलाकार भवन है, ठीक है, इस भवन में यदि मैं केवल इतना सा सफेदी करता हूँ, ये मान लो 1 वर्ग मीटर इतना सा भाग, ठीक है, तो इस भाग पर अगर मैं सफेदी करता हूँ तो इसके लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2 रुपए, 2 रुपए प्रति यानी प्रत्येक वर्ग मीटर के लिए, है ना, तो इतने से हिस्से के लिए मुझे 2 रुपए देने हैं। तो यहाँ पर देखो हमें जो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि अगर मैं 2 रुपए खर्च करता हूँ तो मजदूर 1 वर्ग मीटर पर सफेदी करता है, लेकिन मैंने कितने खर्च किए, मैंने यहाँ 498.96 रुपए खर्च किए। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कुल वर्ग मीटर निकाल सकता हूँ, यानी कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। कैसे? कि देखो बराबर के इस साइड में 1 ऊपर रहेगा, बराबर के इस साइड में ये 2/2 के नीचे रहेगा, और गुणे में आएगा 498.96, यानी कुल मिला के हमें 498.96 में 2 का भाग देना है। जैसे ही भाग देंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले हमें ज्ञात करना है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो कैसे निकलेगा, जब मैं 498.96 में 2 का भाग दूंगा। तो चलो भाग देते हैं, ये हो गया 2 2 4, 2 4 8, बचा 1, 2 9 18, लगेगा पॉइंट, ये हो गया 2 4 8, बचेगा 1, 2 8 16, ये हमारा क्या आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये किस में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, लेकिन आयतन हम कब ज्ञात कर पाएंगे, जब हमारे पास क्या हो, त्रिज्या हो। तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो इसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से। तो वापस हम लिखेंगे अगेन, दूसरा हमें जो ज्ञात करना है हवा का आयतन, उससे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो हम जानते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये हमारे पास में है, और कितना है, 249.48 वर्ग मीटर। ठीक है, अब इस साइड में हम सूत्र लगाएंगे, अब क्या है ये, आधा गोला है, अर्ध गोला है, तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr² और कितना दिया, 249.48 दिया। ठीक है, चलो अब हम r को यहीं रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे, लेकिन उससे पहले हम पाई का मान लगाएंगे, तो ये हो गया 2 × 22/7 × r² बराबर 249.48। अब देखो 249 पहले से अपनी जगह पर है ना, ये अपनी जगह पर है, ये 7 भाग में है, तो ये ऊपर यानी 2/2 के ऊपर आ जाएगा गुणे में, और ये दोनों गुणे में है तो ये 2/2 के नीचे आ जाएंगे, ये तो हो जाएगा 2 × 22, और आर स्क्वेयर हमें ज्ञात करना है, तो आर हम यहीं रखेंगे। अब देखो 22 और ये है 249.48, तो इसमें हम 22 का भाग देंगे, किसमें, 249.48 में 22 का भाग देंगे,
तो ये हो गया 22 एकम 22, बचा 2, उतारा 9, फिर 22 एकम 22, अब कितना बचा, 7 बचा, उतारा 4, ये हो जाएगा 22 त्रिया 66, है ना। अब कितना बचा, 8, अगली संख्या हो जाएगी 8, तो 22 चौके 88, है ना। भाग पूरा पूरा गया कितनी बार, 100, यहाँ पर देखो पॉइंट भी है ना, तो पीछे से 2 अंक छोड़ के हमें पॉइंट भी लगाना, तो यहाँ से पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो उत्तर आएगा 11.34। तो ये कितनी बार कटेगा, 11.34 बार कटेगा, किससे, 22 से। अब हमें क्या करना है, इस 11.34 में 2 का भी भाग देना है, तो अब हम इसमें 2 का भाग देंगे, किस में, 11.34 में। तो चलो भाग देते हैं, 2 × 5 = 10 हो गया, बचा 1, 2 × 6 = 12, बचा 1, 2 × 7 = 14, है ना। और इसमें भी 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी ये कटेगा अब 2 से 5.67 बार। तो हमारे पास क्या क्या बच गया, देखो अब हमारे पास बच गया 5.67 गुणा 7, है ना, इन दोनों का हमें गुणा करना है। तो चलो अब हम गुणा करते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो 7 × 7 = 49, हासिल के 4, 7 × 6 = 42, 42 और 4 हो जाएगा 46, तो 46 का 6, हसल का 4, 7 × 5 = 35, 35 और 4 हो जाएगा 39, ठीक है। और 2 संख्या छोड़ के हमें पॉइंट लगाना है, तो उत्तर आएगा 39.69, और यहाँ पर है वर्ग, तो इस वर्ग को हम उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो यहाँ से हम r वर्ग को उधर भेजेंगे तो इधर वर्गमूल आ जाएगा और अंदर आएगा 39.69। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम इसकी क्या कराएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। फिर 3 का भाग जा रहा है तो इसमें जाएगा 3 × 4 = 12, बचेगा 1, 3 × 4 = 12, फिर 3 × 3 = 3, अभी भी 3 का भाग जा रहा है, तो ये हो गया 3 × 3 = 3, बचा 1, 3 × 4 = 12, बचा 2, 3 × 7 = 21, 7, 8, 8 और 4, अभी भी 3 का भाग जा रहा है, तो भाग देंगे 3 × 4 = 12, ठीक है, बचा 2, 3 × 9 = 27, अब 7 का भाग जा रहा है, तो 7 × 7 = 49 और 7 × 1 = 7। अब हमें 2 के जोड़े बनाने, तो इसका 2 का जोड़ा बना 3 बार आ गया, इसका 2 का जोड़ा बना 3 बार आ गया, इसका 2 का जोड़ा बना 7 बार आ गया, अब इनका गुणा कराएंगे तो ये हो गया 3 × 3 = 9 और 9 × 7 = 63, यानी इसका जो वर्गमूल होगा वो आएगा 63। लेकिन यहाँ पर देखो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो अब हमें 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, ये ध्यान रखना, ये वर्ग है, वर्गमूल है ना। तो वर्गमूल है तो एक जोड़े में, एक जोड़ा अगर पॉइंट के बाद में है तो हमें 1 अंक उसका जो वर्गमूल निकल के आएगा उसमें 1 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, तो पॉइंट 1 अंक छोड़ के आएगा, ठीक है। तो हमारा जो त्रिज्या निकल के आएगी वो आएगी 6.3 मीटर, ये हमारी क्या आ गई, त्रिज्या। अब जब हमारी त्रिज्या आ गई तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन। तो चलो अब इसका आयतन ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे भवन का आयतन, भवन का आयतन, और भवन कैसा है, अर्धगोला है, तो अर्धगोले का सूत्र हो जाएगा 2/3 πr³, ठीक है। तो ये हो गया 2/3 × π का मान 22/7 × r³, ठीक है। तो r त्रिज्या जो हमने निकाली वो कितनी है, त्रिज्या हमारे पास में है 6.3, तो यहाँ आ जाएगा 6.3। चलो ये हो गया 2/3 × 22/7 × 6.3 का 3 बार गुणा, ठीक है। तो यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा। अब ये 7 से कटेगा, 7 × 9 = 63, 9 बार, ये 3 से कटेगा, 3 बार, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे कोई नहीं कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 × 22 × 3 × 63 × 63, इन सब का गुणा कराएंगे और नीचे 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा, 1000, 1000 का भाग देंगे। तो देखो इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 523908 और बट्टे में है 1000, ठीक है। अब नीचे 3 जीरो है तो ऊपर से हम 3 अंक छोड़ के क्या लगाएंगे, पॉइंट, यानी पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, तो उत्तर हो जाएगा 523.908, ठीक है।
अब हमें पॉइंट के बाद दो अंकों तक उत्तर चाहिए, और देखो दो अंक में दूसरा अंक हमारा जीरो है ना, तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा 523.9, और क्योंकि ये आयतन है मीटर में है तो ये हो जाएगा घन मीटर। ठीक है, ये हमारे प्रश्न आठ का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नौ है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघाल कर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है। ठीक है, यानी हमारे पास ऐसे छोटे छोटे कुल मिलाकर कितने गोले हैं, 27 गोले हैं, और उन 27 गोलों को हम क्या करेंगे, पिघालेंगे। ठीक है, अच्छा तो पिघालेंगे तब हमारे पास में ये जो एक छोटा गोला है इसकी जो त्रिज्या है वो आर है, और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारे पास एस है, और ऐसे ऐसे 27 जो गोले हैं उन सबको हमें पिघालना है। पिघालने के बाद एक बड़ा गोला बनाना है, ये जो बड़ा गोला बनेगा है ना, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें एस डैश दे रखा है, और आगे प्रश्न कर रहा है, कह रहा है ज्ञात कीजिए। एक तो ज्ञात करना है हमें नए गोले की त्रिज्या, यानी हमें ज्ञात करनी है एक नए गोले आर डैश, यानी आर डैश यानी कि नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और हमें ज्ञात करना एस और एस डैश का अनुपात। तो पहले हम आर डैश ज्ञात करेंगे यानी बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया, हमें दिया एक छोटे गोले की त्रिज्या तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः क्या है, आर व एस है ना, ये हमें क्या है दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया, ऐसे ऐसे छोटे गोले कितने हैं, 27 है, तो 27 गोलों का जो आयतन होगा है ना वो क्या हो जाएगा, 27 × 4/3 पाई आर की घात 3, यही होगा ना भाई। एक गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और ऐसे ऐसे कितने हैं, 27 है, सबकी त्रिज्या और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो इसका मतलब 27 गोलों का आयतन क्या आएगा, तो हमें 27 से गुणा करना है, सिंपल है ना। अब देखो ये 3 से कट रहा है, कितनी बार, 9 बार, 3×9=27, अब 9 और 4 का गुणा कितना हो गया, 36, 9×4=36, तो 27 गोलों का जो आयतन आएगा वो आएगा 36 πr³ है ना। अब हमें इन गोलों को पिघाल कर, ये जो आयतन आया है ये पिघल गया मान लो, ठीक है 27 गोले पिघल गए, और हम क्या बना रहे, एक बड़ा गोला बना रहे, तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, आर डैश, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, एस डैश, वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बड़े गोले की त्रिज्या व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः आर डैश व एस डैश है। ठीक है, ये इनकी त्रिज्या और क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि भाई मान लो बड़े गोले का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 27 छोटे गोले के आयतन के बराबर, 27 छोटे गोले के आयतन के बराबर। ठीक है, भाई इन दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि इन 27 गोलों को ही पिघाल कर हम बड़ा गोला बना रहे हैं, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर। चलो दोनों का आयतन लगाते हैं, इसका जो आयतन बनेगा वो क्या बनेगा, 4/3 πr³, लेकिन आर कौन सा है, डैश वाला है, यहाँ त्रिज्या आर डैश है, और यहाँ पर हमने आयतन निकाला, इसको मैं समीकरण एक लिख देता हूँ ताकि ये आपको यहाँ लिखना है पता चल जाए। इसका आयतन हमने कितना लगाया, 36 πr³। ठीक है, अब देखो, अब हमें आर डैश ज्ञात करना है ना, तो देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया पहली बात, तो फिर उसके बाद हम क्या r² को यहीं रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे, तो r² यहीं रहेगा, और यहाँ पहले से हमारे पास क्या है, 36 × r³ है, बट्टा ये 4 गुणे में है तो नीचे आएगा, ये भाग में है तो ये ऊपर बट्टे में आएगा, ऊपर आएगा बट्टे के। अब ये देखो, ये इन दोनों में 4 का पहाड़ है, तो ये हो गया 4 × 4, और ये कटेगा आपके 4×9=36, 9 बार। ठीक है, तो देखो अब 9 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 27,
और ये हो गया आर की घात 3, और यहाँ हमारे पास आर डैश की घात 3 है। अब हमें आर डैश ज्ञात करना है, तो ऊपर क्या है घन, तो घन को उधर भेजेंगे तो ये घनमूल हो जाएगा, है ना। तो इसको हम उधर भेजेंगे तो घनमूल आ जाएगा इस साइड में, और घनमूल का निशान क्या होता है, ऐसा रूट का निशान बना के इसके अंदर 3 लगाना, छोटा 3, है ना। हमें आर डैश ज्ञात करना है, अंदर क्या है 27 आर की घात 3। देखो 27 का घन कितना होता है 3, आर की घात 3 का घन कितना होता है आर, यानी आर डैश हमें क्या मिलेगा 3 इंटू आर मिलेगा। ये हमारे पास त्रिज्या, किसकी त्रिज्या आई, बड़े गोले की त्रिज्या आई। अब हमें दूसरा क्या ज्ञात करना है, एस और एस डैश का अनुपात, चलो ये भी ज्ञात कर लेते हैं। हमें दूसरा जो ज्ञात करना है, अंतिम प्रश्न है, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है, यानी हमें एक दवाई का कैप्सूल दिया हुआ है और वो कैप्सूल कैसा है, गोलाकार है, और इसका व्यास हमें दिया हुआ है, व्यास कितना है 3.5 mm है, ठीक है। लेकिन प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो सीधी यहाँ पर मैं त्रिज्या निकाल देता हूँ। त्रिज्या होती है व्यास बटे दो, व्यास बटे दो, व्यास हमें दिया हुआ है 3.5, है ना, और नीचे आ जाएगा बटे दो, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हमारे पास आएगा 0, तो ये हो गया 35/20। इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा 7 बार और इसमें 5 का भाग जाएगा 4 बार, तो अब जो त्रिज्या निकल के आएगी वो आएगी 7/4 mm, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm³ यानी घन मिलीमीटर में की आवश्यकता होगी, यानी अब इस कैप्सूल में हमें क्या भरना है, पाउडर यानी दवाई भरनी है, ये गोलाकार कैप्सूल है इसमें पाउडर यानी कि दवाई भरनी है, तो भरना मतलब आयतन ज्ञात करना, तो कुल मिला के इसका मुझे आयतन ज्ञात करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे कैप्सूल, कैप्सूल का आयतन, और आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई आर की घात 3, ये हो गया 4/3 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा आर की घात 3, आर हमने कितना निकाला 7/4, ये हो गया 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4, ठीक है। चलो ये 4 से 4 तो हो गया कैंसल, फिर उसके बाद देखो इन दोनों में 2 का पहाड़ है, तो ये 11 बार कटेगा और ये 2 बार कटेगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब फाइनल हमारे पास क्या बचा, देखो हमारे फाइनल ऊपर तो बचा 11 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे हमारे पास देखो एक तो बचा 3, एक बचा 2 और एक बचा 4, तो 4 × 2 = 8 और 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, तो नीचे हमारे पास बचा 24। तो देखो ऊपर जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा 539, और हमें भाग किसका देना है 24 का, तो जब इसमें हम भाग देंगे 24 का तो हमारा जो आंसर है वो निकल के आएगा 22.46, और ये किस में है, त्रिज्या मिलीमीटर में, तो आयतन आएगा मिलीमीटर की घात 3 यानी घन मिलीमीटर में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आज की प्रश्नावली आपकी ख़त्म हुई, और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, थैंक यू।